हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम इसमें देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्याख्या के साथ। तो चलिए, यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं इंटरनेट की, जेआईसी लेक्चरर की, पीजीटी की, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है और टाइम टू टाइम मैं कंटेंट की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराती रहती हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इंडियन थिंकर्स की जो वीडियो हैं काफ़ी पड़ी हुई हैं, और अब वेस्टर्न थिंकर की मैंने वीडियो कही थी लेकिन मैंने किसी कारण से नहीं अभी डाल पाई हैं, तो अब उसी से रिलेटेड हमारी वीडियोस आएंगी, साथ में ये भी चलता रहेगा। तो यदि आपने नहीं देखी है तो इंडियन थिंकर की वो देख सकते हैं जो आपके हैं, जो पीजीटी और इंटरनेट और जेआईसी लेक्चरर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लेलिस्ट में है तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति एक साधन एवं साथी दोनों है, संस्था एक साधन है साध्य नहीं है, समिति विकसित होती है, मतलब स्वयं विकसित होती है, स्वविकसित होती है, या फिर संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। आंसर जो हमारा राइट है वो आपका है बी, संस्था एक साधन है साध्य नहीं है। तो ये कथन सही है, बाकी जो है आपके वो कथन गलत है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक संस्थाएं अपेक्षाकृत स्थाई, जटिल, समृद्ध एवं संगठित व्यवहार प्रतिमान हैं, इसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना, मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की तुष्टि तथा लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, या मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणाली का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो संस्था है साधन है साध्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतना नियंत्रण क्या है जिसे समाज प्रजननता के रूप के ऊपर लागू करता है? प्रजनन जो होती है प्रजननता के ऊपर लागू करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुविवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को रोकना, परिवार के आकार को सीमित करना, या उस उपयुक्त में से सभी। ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो सभी हैं, तो आंसर हमारा राइट है डी, उपयुक्त सभी हैं। जो प्रजनन होती है, प्रजनता होती है समाज में, जो चेतना नियंत्रण है वो ये बहुविवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को रोकना, परिवार के आकार को सीमित करना, ये सभी चेतना नियंत्रण है। ठीक है, जिसे सामाजिक प्रजनता के ऊपर लागू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? उत्तर उपयोगवाद, जो पवित्र और परेक्ष जो दुर्खिम ने दिया था, विलासी वर्ग बेबलेन ने दिया था, संदर्भ समूह मर्टिन ने दिया था। तो ऑप्शन क्या राइट है? तो आंसर जो हमारा राइट नहीं है वो है बी, जो पवित्र की बात दुर्खिम नहीं करते, बाकी उत्तर उपयोगितावाद की बात डैनियल बेल करते हैं, विलासी वर्ग के बेबलेन ने बात की है, संदर्भ समूह मर्टन ने बात की है। ठीक है, और धर्म जो दुर्खिम है उन्होंने किसकी बात की है? पवित्र और अपवित्र की बात इन्होंने करी है। परेक्ष निरपेक्ष या पवित्र के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, पवित्रता और अपवित्रता के बारे में ये बात करते हैं। डैनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी है, संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन जी ने, टर्नर ने और हाईमैन ने दी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो आपका मर्टन, टर्नर और हाईमैन, इन तीनों ने किसकी अवधारणा दी है? संदर्भ समूह की। तो ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी आता है तो आप लगाओगे, ठीक है, टर्नर को, मर्डन को और हाईमैन को। और यदि सबसे पहले पूछ लिया जाए संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, तो एच हाईमैन ने। ठीक है, ये पहले दुर्खिम ने धर्म को एक विश्वास बताया है,
जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है। उत्तर औद्योगिक समाज का जिक्र डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिखी थी, उसमें दिया था। ठीक है, किसकी बुक है? डेनियल बेल की। नेक्स्ट है, चार प्रकार की सरल अर्थव्यवस्था दी गई है, इन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए, जिन्हें क्रम में वे मूर्त हुए हैं। ऑप्शन है चारवाही, अखेट, कुटीर, झूम। कूट दिए हुए हैं तो बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी। पहले क्या करते थे? पहले करते थे ये अखेट, फिर क्या करते थे? चरवाह बने, गाय भैंस पालने लगे, फिर क्या किया इन्होंने? झूम खेती करने लगे। झूम खेती का मतलब ये होता है कि एक जगह पे खेती करके जब वहाँ वो जगह बंजर हो जाती है तो उसे छोड़ के उसको जला के फिर दूसरी जगह खेती करना। ठीक है, जहाँ पे घास फूस होता है, बंजर होता है, उसे जला देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर वहाँ पे बंजर हो जाता है तो दूसरी जगह पे जला के फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरीके से झूम खेती कही जाती है। चलिए तो देख लेते हैं व्याख्या। सरल अर्थव्यवस्था जाति और कृषक समाजों में पाई जाती है। यह भी विभिन्न उद्विकास के स्तरों से गुजरती है। प्रारंभ में यह अखेट या शिकारी अवस्था में रहती है और बाद में चारवाही, झूम और कुटीर अर्थव्यवस्था से गुजरती है। झूम खेती जनजातियों की एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवस्था है, जिसके अंदर एक खास जमीन की खेती वे लोग कुछ समय तक करते हैं और उसके बाद दूसरी जगह में खेती करने के लिए चले जाते हैं। भारत में पूर्वोत्तर जनजातियों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और की जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। कहाँ कहाँ की करती हैं? पूर्वोत्तर, नक्शे के अकॉर्डिंग जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ की जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ की जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। निम्न में से किसने भारतीय जनजाति को पिछड़ा हिंदू कहा? ये एग्ज़ाम में आया था आपका एनटीए नेट में 2020 में, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन याद रखने हैं। तो ये आंसर जो इसका है जीएस खुरिए जी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एल्विन के राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, जिसमें जनजाति क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने एवं इसके निर्वर्तन की वकालत की गई है, इसके विरुद्ध समाजशास्त्री घुरिए ने पूर्ण सात्मीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनजातियों को आदिम या मूल निवासी कहना भ्रमक है, भ्रमक की बात है, अपितु ये वास्तव में पिछड़े हिंदू थे और इनकी सभी संस्कृति आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु जो हिंदू समाज है उसके अंतर्गत इसके पूर्ण आत्मसात होने में निहित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन दिए हैं नॉडल, फर्द, लेविस्ट्रॉस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो आपका है सी। सी, इन्होंने कहा जो सामाजिक संरचना है का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं, मतलब जो भी अनुभव हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लेविस्ट्रॉस जी इस बारे में कहते हैं। ठीक है, लेविस्ट्रॉस के बारे में देख लेते हैं। लेविस्ट्रॉस के अनुसार सामाजिक संरचना यथार्थ अंग होता है, सामाजिक संरचना यथार्थ अंग होता है, लेकिन वह अमूर्तता के ऊंचे धरातल पर प्रस्थित जो प्रतिस्थापित होता है, धरातल जो उसका होता है अमूर्तता के का होता है। संरचना के विभिन्न अमूर्तता मतलब जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, विभिन्न
भागों के औपचारिक व्यवस्थीकरण को समझना अधिक आवश्यक है, ना कि समाज में वास्तविक संगठन को। समाज रचना की अवधारणा देने में प्रमुख योगदान स्पेंसर, दुर्खिम, मेलिनोवोस्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्डन, नॉडल आदि का भी रहा है। तो ये जो थिंकर मैंने बताए आपको, स्पेंसर, दुर्खिम, मेलिनोवोस्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्डन और नॉडल आदि भी इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, पार्सन्स के अनुसार समाज संरचना एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों और सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंडमान द्वीप समूह, जो अंडमान जो द्वीपवासी हैं, के सामाजिक संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइलर हैं, दुर्खिम हैं, ब्राउन हैं, मर्टन हैं। तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। ये मानव शास्त्री हैं, ठीक है, और इनकी बुक्स वगैरह भी देख लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बुक्स वगैरह काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप सिक्वेंस से बुक को याद करिए, सभी की जो भी थिंकर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनकी। तो दी अनमान आइसलैंडर जो बुक है ये 1922 में लिखी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स ये लिखी है 1931 में। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, नेशनल साइंस ऑफ सोसाइटी ये लिखी है 1947 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा था या रहा है? केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आंसर हमारा जो राइट है आपका वो है डी, महाराष्ट्र का सबसे अधिक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार विश्व राज्यों से नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता का क्रम महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु नगरीकृत राज्यों का क्रमांक जो है, जो क्रम है वर्ष 1991 के अनुसार तमिलनाडु 43.9% है और महाराष्ट्र का 42.4% है और गुजरात का 37.4% है, हिमाचल प्रदेश का आपका 9.8% है, बिहार का 10.5%, असम का 12.7% है और उड़ीसा का जो था वो 14.9% है। ठीक है, तो ये भी सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं बन जाते हैं आपके, तो वो भी आप याद रखिएगा। रिसेंटली जो भी हैं 11 का है तो सभी याद रखने हैं आपको। ठीक है, द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार प्रकार अनुकूलन में सहायक हैं, सदैव इच्छित हैं, अनुकूलन को कम करता है, सदैव अवलोकित करता है या अलोकित है। आंसर हमारा जो राइट है आपका वो है ए। ठीक है, ए के मर्टन के अनुसार जो होता है प्रकार अनुकूलन में सहायक है। मर्टन के अनुसार प्रकार वे अवलोकित परिणाम होते हैं जो किसी समूह या समाज के अनुकूलन के सामंजस्य में सहायक होते हैं। मर्टन के अनुसार प्रकारवादी सिद्धांत ने जो उन पर परंपरागत अभिधारणाओं से पूरी तरह वंचित हैं, जिन्होंने अब तक समाजशास्त्र को घेरे रखा है और बहुधा इसे लोक प्रचलित व्यवहारों के आधुनिक वर्गीकरण में तब्दील कर दिया है, इस अनुशासन में एक व्यवस्थित तथा अनुभविक दृष्टि से सुसंगत विश्लेषण सिद्धांत का सूत्रपात किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। बुक्स दी हुई हैं और थिंकर दिए हुए हैं, विलेज इंडिया, मैकी मैरिट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड और इंडियंस चेंजिंग विलेजेस। ये नहीं है श्रीनिवास की, एन इंडियन विलेज, एससी दुबे। तो देख लेते हैं बुक्स वगैरह। तो आंसर हमारा जो राइट है वो है सी, इंडियाज चेंजिंग विलेज। ये एम एन श्रीनिवास की नहीं है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर,
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, मिथ ऑफ सेल्फ सफिशियंस ऑफ इंडियन विलेज। तो लास्ट क्वेश्चन अब और भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का नियामक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो आपका है डी, परिस्थिति एवं भूमिका पुंज। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी, जब किसी सामाजिक संरचना या समूह को संरचना की बात की जाती है तब हमारा तात्पर्य उन समूहों के आंतरिक संगठन की स्थायी प्रतिमान अर्थात समूहों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के संपूर्ण ताने बाने से होता है। इन संबंधों में सामाजिक क्रिया, भूमिका, परिस्थितियाँ, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उसका आधारभूत रूप प्रदान करता है तथा समाज व्यवहार को सीमावृद्ध करता है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ किसी समूह के प्रत्येक सदस्य के अनुरूप होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न थिंकर्स से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी और ये सीरीज़ भी चलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉच।